जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कनामे पानी के अंदर कूद जाता है शुका को बचाने के लिए, और फिर उसके बाद हमें इस सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो छोटी लड़की होती है वो भाग के चली जाती है एक स्टोर के अंदर, और हमारा गनमैन उसे ढूंढ रहा होता है। वो स्टोर के अंदर जाने के बाद वो छोटी लड़की अपने भाई से बातें करती रहती है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है ये और इसका भाई दोनों मिलके एक साथ अपना शेड्यूल को यूज करते हैं। यहाँ पे इसका भाई एक प्लान बनाता है कि वो अपना फोन को यहाँ पे रख देता है और फिर वो इस गनमैन को अंदर अट्रैक्ट करता है। तो ये गनमैन उसके फोन की आवाज सुन के शॉप के अंदर जाता है, और जैसे ही वो शॉप के अंदर जाता है तो वो इनके ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि ये बंदा आसपास के सारे पानी के बॉटल में से पानी निकाल के गनमैन को भिगा देता है, और उसके बाद वो अपना बर्फ वाला एबिलिटी यूज करके इसको जमा भी देता है। और फिर ये एक पानी के बॉटल में से पानी बाहर निकाल के उसका एक तलवार बना के गनमैन की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी हमें दूसरे सीन पे दिखाते हैं कि कनामे भी पानी के अंदर घुस चुका होता है और वो एक आइस के वॉल के पास पहुंच जाता है। वही वॉल के पास आने के बाद पता लगाने की कोशिश करता है कि शुका अभी भी ठीक है कि नहीं, तो उसको शुका का कोई रिस्पांस आता ही नहीं है। तो फिर वो एक गन क्रिएट करता है और उस गन से ये वॉल को तोड़ के पानी के उस तरफ जाता है। तो वो देखता है कि वहां पे शुका पानी के अंदर डूब रही होती है, तो फटाक से पानी में जाता है, शुका को बाहर निकालता है और उसको माउथ टू माउथ दे के उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और ये सब करने के बाद शुका ठीक हो जाती है। फिर शुका खुशी खुशी कनामे को किस भी कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया है। उसके बाद कनामे और शुका दोनों ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 8th क्लैन के सारे बंदे आ चुके होते हैं। यहाँ पे वो लोग भी आ गए होते हैं जो कि ये वाले ट्रेजर हंट इवेंट के हिस्से नहीं होते हैं, लेकिन इनके लीडर वोंग ने उन सबको कॉल करके यहाँ पे बुलाया होता है। 8th क्लैन के सारे बंदे यहाँ पे आने के बाद एक वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शुका और कनामे भी यहाँ पे आ गए होते हैं जहाँ पे गनमैन अटका हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जब ये बंदा गनमैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसको उसकी बहन रोक देती है, और तब हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो लड़का और लड़की है छोटे बच्चे दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर है। तभी लड़की हमें बताती है कि जो इसका भाई था उसकी डेथ हो चुकी थी और वो इसका ट्विन ब्रदर है, लेकिन उसके डेथ होने के बाद पता नहीं कैसे तो उसकी आत्मा वापस से इसकी बहन के अंदर आ गई, और इसके बहन के बॉडी के अंदर ही वो एक्टिवेटेड रहता है और कभी ना कभी बीच बीच में बाहर आता है। उसके बाद कनामे इस लड़की को भी अपने ग्रुप में ले लेता है, और तब ये अपने शिजल का यूज करके सबके कपड़े सुखा देती है। यो, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, ये एकदम फ्री है। उसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि 8th के बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं कनामे के टावर के पास, जहां पे फ्लोरिश ने पूरे एरिया को बैरिकेड करके रखा होता है। ये लोग अंदर घुस जाते हैं क्योंकि इनको इस टावर के सारे रिंग्स चाहिए होते हैं। तो फ्लोरिस्ट रीन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ नीचे इनसे लड़ने के लिए, तब तक तुम ऊपर ही रहना। तो रीन उसको बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा प्लान बनाती हूँ कि मैं यहाँ पे सारे रिंग्स रख के यहाँ से तुम और मैं निकल लेते हैं, क्योंकि 8th वाले बंदे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो फ्लोरिस्ट बोलता है कि नहीं, मैं तो इनको छोड़ के जाने वाला हूँ नहीं, मैं इनसे लड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम खुद के सेफ्टी के लिए यहाँ से भाग जाओ। तो रीन वहां से निकल लेती है, और फिर 8th के सारे बंदे यहाँ पे बिल्डिंग में घुसने के बाद वो लोग एक एक एलिवेटर पकड़ते हैं और उससे ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ही वहां पे आता है फ्लोरिस्ट, और फ्लोरिस्ट आके यहाँ के सारे बंदों को खत्म कर देता है एक्सेप्ट फॉर एक बंदा। इस बंदे के पास होती है फायर वाली पावर, तो ये बंदा अपने फायर के एबिलिटी के वजह से फ्लोरिस्ट के सारे पेड़ पौधों को जला देता है और बच भी जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फ्लोरिस्ट अपने पूरे मैक में होता है और वो लड़ने आया होता है ये फायर पावर वाले बंदे के साथ। और तभी ही रीन सोच रही होती है ये जो सारे नंबर्स लगे हुए हैं इन सब जेम्स वाले रिंग के ऊपर इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि ये सब एक कोऑर्डिनेट्स है जो कि एक स्पेसिफिक जगह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये वहां पे भाग के जाने लगती है वो जगह के पास पहुंचने के लिए। और ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एकदम सेंटर पॉइंट वाला शिबुया का। फिर रीन जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि ये बिल्डिंग में हर जगह 8th क्लैन के बंदे रहते हैं, और यहाँ पे उनका लीडर वोंग भी होता है। तो रीन को पता चल जाता है कि इनको भी पता चल गया है कि यहाँ पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फ्लोरिस्ट ये फायर वाले बंदे से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे ये फायर वाला बंदा फ्लोरिस्ट को बहुत आसानी से हराने लगता है। तो फ्लोरिस्ट सोचता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन ये बंदा उसका पीछा हर जगह करता रहता है। फ्लोरिस्ट अपने सारे के सारे ट्रैप्स यूज करता है, लेकिन फिर भी वो हारने लगता है। एक पॉइंट पे फ्लोरिस्ट को लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन ये बहुत गलत होता है क्योंकि फ्लोरिस्ट के पीछे से जंप मार के आता है ये फायर वाले बंदे का एक और दोस्त, जो कि आके फ्लोरिस्ट को तुरंत मुक्का मार के गिरा देता है। और तभी फायर वाला बंदा उसके पीछे से आके अपना हाथ उसके आर पार कर देता है, और फ्लोरिस्ट के बॉडी के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद बन जाता है। और इस वक्त फ्लोरिस्ट को लगता है कि वो खत्म होने वाला है, लेकिन तभी फ्लोरिस्ट अपना एक अल्टीमेट मूव यूज करता है और वो सारे के सारे ग्रेनेड्स को एक साथ ब्लास्ट कर देता है, और यही टाइम लेके वो वहां से भागने लगता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन ये दोनों बंदे उसका पीछा छोड़ते ही नहीं है, वो लोग भाग के जाते हैं फ्लोरिस्ट को पकड़ने के लिए। और तब हमें दिखाते हैं कि फ्लोरिस्ट इस वक्त कैसे बचा हुआ है। उसका जो सब प्लांट्स होते हैं वही उसके हार्ट को बचा के रखते हैं और उसको पंप करवाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त उसे पता चल गया होता है कि वो खत्म होने वाला है। तो फिर जैसे ही ये दोनों बंदे फ्लोरिस्ट के पास पहुंचते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि अब हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं, और तभी ये हंसने लगता है और बोलता है कि मैं खत्म नहीं होने वाला हूं, तुम भी खत्म होने वाले हो। और जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि फ्लोरिस्ट ने हर जगह पूरे बिल्डिंग के अंदर सारे प्लांट्स को कुछ इस तरह से ग्रो
शुरू किया होता है कि वो लोग हर जगह तोड़ तोड़ के गए होते हैं, और अब जब फ्लोरिश खत्म होने वाला होता है तो उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और इस वजह से बिल्डिंग टूट के गिरने वाली है, और ऐसे ही पूरी बिल्डिंग टूट के गिर जाती है और तीनों लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रीन ये बिल्डिंग में छुप छुप के आगे बढ़ रही होती है स्पेशल ट्रेजर के लिए, लेकिन तभी ही 8th क्लैन के दो बंदे इसे देख लेते हैं और वो लोग इसका पीछा करने लगते हैं। तो रीन वहां से अपनी जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन वो फंस जाती है क्योंकि उसके ठीक सामने वोंग आ जाता है और वो रीन को पकड़ लेता है और वो रीन से पूछता है कि चलो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पता है ये ट्रेजर चेस्ट इवेंट के बारे में और कहां पे असली ट्रेजर है। तो ये बोलती है कि इसे कुछ नहीं पता है, तो वोंग इसका हाथ पकड़ता है और उसे मोड़ने लगता है। तो बेचारी रीन दर्द में आके वोंग से सच कहने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे पता है कि यहां पे एक स्पेशल ट्रेजर है। कनामे वोंग के साथ थोड़ा नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग उसके साथ नेगोशिएशन करता ही नहीं है। और फिर यहां पे इन दोनों क्लैन के बीच में एक वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा गनमैन फटाफट अपना गन से अटैक कर करके सब लोग को मार रहा होता है और शुका अपने एबिलिटी को यूज करके यहां वहां उड़ रही होती है, और उसके साथ होती है ये पानी वाली बच्ची। ये लोग हर जगह पानी निकाल के उसको फ्रीज कर देते हैं और बहुत सारे मेंबर्स को हरा देते हैं ऐसे ही, लेकिन इनके सामने तभी आ जाता है वोंग। और इस वक्त कनामे और रीन यहां से भाग गए होते हैं स्पेशल ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तो कनामे रीन को बोलता है कि रीन ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम्हें अपनी सारी एबिलिटी लगा के इस स्पेशल ट्रेजर को ढूंढना है, तब तक मैं जा रहा हूं इनको रोकने के लिए। उसके बाद वोंग पीछे पड़ता है हमारे गनमैन के, तो गनमैन वोंग की एबिलिटी को पहचान जाता है, तो वो कहता है कि वोंग के पास जो एबिलिटी है टेलीपोर्टेशन की वो सिर्फ 5 मीटर तक के डिस्टेंस पे ही टेलीपोर्ट कर सकता है और जो उसका स्लैश वाला एबिलिटी है वो सिर्फ 1 मीटर के डिस्टेंस पे स्लैश कर सकता है। वोंग एक टाइम पे अपनी दोनों एबिलिटी को साथ में नहीं यूज कर सकता है, वो एक टाइम पे एक ही एबिलिटी यूज कर सकता है। ऐसा बोल के गनमैन वोंग से दूर भागता रहता है और वो बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। तभी वोंग के बाकी लोग आके गनमैन के ऊपर हमला कर देते हैं और वोंग भी यहां पे गनमैन के पास पहुंच जाता है और वो यहां पे आने के बाद गनमैन का हाथ काट देता है। उसके बाद वोंग गनमैन को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मीनवाइल रीन एक कोने में बैठ के अपने दिमाग के अंदर जंप मारती है और सोचती है कि ये नंबर का मतलब क्या है, और तब उसको चार्ल्स डार्विन का बुक मिलता है जिसमें उसको लगता है कि ये नंबर का सिग्निफिकेंस छुपा हुआ होगा। और यहां पे वोंग हमारे गनमैन को पकड़ के बोलता है कि अब मैं तेरा एग्जीक्यूशन करने वाला हूं और तुझे खत्म करने वाला हूं। ऐसा बोल के वोंग उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है और यहां पे गनमैन ने सोच लिया होता है कि वो खत्म होने से पहले ये ग्रेनेड यूज करेगा और वोंग के साथ खुद को खत्म कर देगा, क्योंकि वोंग ने उसके छोटे भाई को मारा होता है, इसीलिए गनमैन के दिल में वोंग के लिए बहुत गुस्सा रहता है। लेकिन वोंग गनमैन के ऊपर हमला कर पाए और गनमैन अपना ग्रेनेड फोड़ पाए उसके पहले ही यहां पे कनामे आ जाता है और वो कहता है रुक जाओ मेरे पास स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। और कनामे कहता है कि उसके हाथ में जो ये चाबी है स्पेशल ट्रेजर चेस्ट की। फिर कनामे उसको बोलता है कि देखो मैं तुम्हें ये चाबी देने के लिए रेडी हूं अगर तुम कहो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। तो ये बंदा बोलता है कि चल भाई तुझे जो करना है कर ले, मुझे पता है कि चाबी असली नहीं है। तो फिर कनामे अपने हाथ में एक गन क्रिएट करता है और बोलता है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि चाबी असली नहीं है तो मैं चाबी को तोड़ देता हूं। और ऐसा बोल के कनामे अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है। वो बोलता है कि जो स्पेशल नंबर था डायमंड रिंग के ऊपर उस पे लिखा था 888001। इसका ये मतलब है कि जो 888 है उसका मतलब है कि जो हाची नाम का स्टैचू है उसके बगल में कोई तो स्पेशल चीज है और उसके बगल में ये चाबी था और ये चाबी है लॉकर नंबर 0001 की जो कि सामने वाले बैंक में है। ऐसा वो वोंग को बोलता है, तो वोंग को लगता है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन हमारा गनमैन देख लेता है कि असल में तो कनामे झूठ बोल रहा है क्योंकि गनमैन के शिजल का एबिलिटी होता है कि वो सच और झूठ पहचान सकता है। उसके बाद वोंग बोलता है ठीक है चलो तुम मुझे वो चाबी दे दो और मैं तुम्हारा सेफ्टी गारंटी कर सकता हूं, लेकिन ये गनमैन का सेफ्टी मैं गारंटी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है और एक बार जो चीज मैं स्टार्ट कर देता हूं मैं उसे पूरी तरह से एंड भी करता हूं। तो कनामे बोलता है ठीक है मुझे चलेगा, ये बंदा तो वैसे मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसको तो मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए रिक्रूट किया था। और तभी गनमैन अपना एबिलिटी यूज करता है कनामे के ऊपर और उसको मालूम पड़ता है कि कनामे वापस से झूठ बोल रहा है। तो फिर कनामे वो चाबी फेंकता है वोंग की तरफ और उसको बोलता है ये लो तुम ये चाबी को यूज कर लो, और वोंग भाग के जाता है वो चाबी पकड़ने के लिए। तभी कनामे उसके बगल वाले लॉकर पे एक पासकोड डालता है और वो पासकोड डालने के बाद एक मैसेज लिख के आता है कि आइटम रिट्रीव। इसके बाद सारे के सारे प्लेयर्स टेलीपोर्ट होने लगते हैं और फिर कनामे के हाथ में आता है एक ब्रीफ केस और फिर एक स्पेशल अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेजर हंट इवेंट कंप्लीट हो चुका है। इसका ये मतलब है कि कनामे ने जो चाबी उसको दी थी वो एक नकली चाबी थी और कनामे खुद भी बोलता है कि तुम्हें जो मैंने चाबी दी है वो तो मेरे स्कूटर की है। और फिर कनामे को वो स्पेशल इवेंट का प्राइज मिल जाता है और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो वो स्पेशल नंबर दिया गया था डायमंड रिंग के ऊपर वो एक पासकोड था इस स्पेसिफिक लॉकर का। और फिर वोंग कनामे को बोलता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया और मैं अब तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूं। ऐसा बोल के सारे लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कनामे वहां से टेलीपोर्ट नहीं होता है क्योंकि उसको वो स्पेशल प्राइज खोल के देखना होता है। जैसे ही वो प्राइज खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक सेलफोन होता है जिसके ऊपर उसको कॉल आता है डी गेम के ओनर का। डी गेम का ओनर कनामे को बोलता है कि तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिल चुके हैं जिसमें से 5,000 पॉइंट्स तुम्हारे क्लैन की तरफ जाएंगे और 5,000 पॉइंट्स तुम्हें अकेले को मिलेंगे। उसके साथ साथ तुम्हें 2,750 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जीतने के लिए, और तो और मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूं। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई खतरनाक विश पूरी नहीं कर सकता हूं। इसका ये मतलब है कि मैं किसी मरे इंसान को
वापस से जिंदा नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद एक इंसान हूँ। तो कनामे बोलता है कि मेरी विश ये है कि मुझे गेम से बाहर जाना है। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हें अगर ये गेम से बाहर जाना है तो उसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम गेम को कंप्लीट कर दो, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम मुझे खत्म कर दो और गेम को एक तरह से बंद कर दो। तो कनामे बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद कनामे उसको अपनी विश बताता है जो कि ये लोग हमें इस वक्त नहीं बताते हैं। और फिर गेम का ओनर बोलता है अच्छा ये विश तो मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ, और ऐसे ही गेम का ओनर कनामे की विश पूरी कर देता है। और फिर उसकी विश पूरी करने के बाद गेम का ओनर बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज और दे रहा हूँ जो कि है तुम्हारा सुपर रेयर शिजल। इस शिजल का नाम है द गॉड ऑफ आयरन। मतलब तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम कोई भी आयरन की चीज को क्रिएट कर सकते हो। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पानी वाली बच्ची और शुका दोनों ही शुका के रूम में लेटे हुए रहते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा घर खरीदना है खुद के क्लैन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो फ्लोरिस्ट की बेटी होती है उसके पास इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए हुए होते हैं और वो उसे एक चेक दे देते हैं और उसके बाद वहां से निकल लेते हैं। ये चेक टोटल होता है 300 मिलियन येन का। और यहाँ पे फ्लोरिस्ट के बेटी के रूम के बाहर पे रीन भी खड़ी रहती है। उसके बाद रीन और फ्लोरिस्ट की बेटी दोनों मिलते हैं एक दूसरे से और वो थोड़ी बातें करते हैं। वहां पे रीन उससे कहती है कि अगर तुम तुम्हारे डैड के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हो, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा गनमैन होता है उसका हाथ ठीक हो गया होता है, क्योंकि वो जाता है नंबर 4 रैंक वाले बंदे के पास जो कि उसका दोस्त होता है, और उसकी जो वाइफ होती है उसके पास होता है हीलिंग करने का शिजल। तो वो अपने हीलिंग वाले एबिलिटी से हमारे गनमैन का हाथ ठीक कर देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो कनामे यहाँ पे आया होता है और रैंक 4 वाले बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हें अपना एलाय बनाना है और उसके लिए तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो रैंक 4 वाला बंदा उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एक ऑफिशियल फाइट में हराना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारा एलाय बनूंगा। उसके बाद कनामे और रैंक 4 वाले बंदे का ऑफिशियल फाइट स्टार्ट होता है, जहां पे ये लोगों ने रूल रखा होता है कि ये लोग इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और तो और एक दूसरे को मारने का इंटेंट भी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर गलती से मर गए तो चलेगा। उसके बाद ये फाइट के अंदर ये लोग कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, अपना शिजल जो यूज करना है करो, हर एक चीज यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कनामे अपना वेपन स्पॉन करता है और रैंक 4 वाले बॉडी बिल्डर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये बंदे में बहुत पावर होता है, ये फटाक से आता है और कनामे के ऊपर पंच मारने लगता है, लेकिन कनामे वो पंच से बच जाता है। उसके बाद कनामे और ये बंदा दोनों बहुत मजबूत फाइटिंग करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद कनामे एक से एक वेपन निकालता है और ये बंदे के ऊपर अटैक करता रहता है, तो ये बंदा एक वॉल के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। कनामे कॉन्स्टेंटली अपने बंदूक से उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसके बाद रैंक 4 वाला बंदा कनामे के ऊपर जंप मार के उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो अब ये मैच खत्म हो गया, मैं जीत चुका हूं। तो कनामे हंसते हुए बोलता है अब तक तुम नहीं जीते हो, ऐसा बोल के कनामे एक ग्रेनेड निकालता है अपने जेब से और उसको फोड़ देता है। ये ग्रेनेड सिर्फ फ्लैश वाला होता है, तो ये फ्लैश की मदद से कनामे वहां से थोड़ा दूर भाग जाता है। तो हमारा रैंक 4 का बंदा बोलता है कि ये बात तो सच है कि तुम एक ए रैंक वाले बंदे के लेवल के तो हो ही। उसके बाद रैंक 4 वाला बंदा एक अल्टीमेट मूव यूज करने वाला होता है कनामे के ऊपर, लेकिन तभी ही रैंक 1 वाली बंदी वहां पे आती है और वो इनके फाइट को रोक देती है, और फिर वो कनामे को वहां से किडनैप करके लेके चल जाती है अपने पास। ये बात सुन के शुका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लोग प्लान करते हैं कनामे को वापस से लेके आने का। तो फिर शुका अपना फोन निकालती है और कनामे को ट्रैक करने लगती है। यहाँ पे रीन हमें वो रैंक 1 वाली लड़की की एबिलिटी के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका एबिलिटी ऐसा है कि वो जब भी किसी के पास आती है तो उस इंसान को लगता है कि वो खत्म होने वाला है और इसी वजह से वो इंसान फ्रीज हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रैंक 1 वाली लड़की ने कनामे को खुद के कार में रखा होता है और वो उससे बात कर रही होती है। वो कनामे से कहती है कि वो एक असैसिन वाले फैमिली से है और वो रैंक 1 पे भी इसीलिए है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी असैसिन है और उसे असैसिनेशन का काम बहुत पसंद है। और वो कहती है कनामे को कि वो कनामे को अपने टीम में लेना चाहती है एज एन एम्प्लॉई। तो कनामे बोलता है कि वो किसी का असैसिनेशन नहीं करेगा, और वो कहती है कि उसका एक रीजन और है, और वो रीजन ये है कि उसे कनामे का बच्चा चाहिए होता है क्योंकि उसके फैमिली को एक सक्सेसर चाहिए होता है और उसके लिए उसे लगता है कि कनामे सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कनामे के अंदर वो एबिलिटी है जो कि है एक वॉर वाले बंदे की एबिलिटी। वो हमेशा लड़ने के लिए रेडी होता है और कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा ही लेता है। तो कनामे कहते हैं कि नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तभी ही कनामे की टीम द सनसेट रेविंस वहां पे आ जाते हैं और वो लोग कनामे को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। तो रैंक 1 वाली बंदी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे क्लैन को पहले खत्म कर देती हूँ, उसके बाद तुमसे बात करती हूँ। तो कनामे उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक डील दूं तो तुम क्या कहोगी? तो वो कहती है कैसा डील? तो कनामे उससे कहता है कि डील ये है कि अगर तुम मेरे क्लैन से बच के निकल गए बगैर किसी को मारे तो मैं तुम्हारे टीम में आने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड बनके, तुम्हारा एम्प्लॉय बनके, कुछ भी बनके मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से मानूंगा। तो वो कहती है चलो ठीक है, डील ऑन है। उसके बाद कनामे का क्लैन जो कि होता है द सनसेट रेविंस, वो लोग एक ऑफिशियल क्लैन बैटल स्टार्ट करते हैं रैंक 1 वाली लड़की के साथ। उसके बाद शुका अपने कार से बाहर निकलती है और वो रैंक 1 वाली लड़की के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी रैंक 1 वाली अपना एबिलिटी यूज करती है शुका के ऊपर, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है शुका पे। शुका अपने एबिलिटी को यूज करके रैंक 1 वाली लड़की से लड़ती रहती है और तभी ही हमें लगता है कि शुका जीत सकती है, लेकिन इस वक्त रैंक 1 वाली लड़की शुका के सारे एबिलिटीज को डॉज कर करके उससे बचती रहती है। उसके बाद रैंक 1 वाली लड़की 2-3 मार्बल निकालती है और उससे शुका को मारने लगती है और शुका हारने लगती है
रैंक वन वाली लड़की से, लेकिन तभी ही कनामे अपने कार का विंडो नीचे करता है और दो जूस के बॉटल बाहर फेंकता है। जैसे ही वो बॉटल बाहर फेंकता है तभी ही हमारी पानी वाली लड़की वो बॉटल के जूस को सामने वाले के कार के टायर के ऊपर गिरा के उसे फ्रीज कर देती है। और फिर कनामे बोलता है कि तुम अब हमसे हार चुकी हो। तो रैंक वन वाली लड़की कहती है कि मैं तुमसे हारी थोड़ी ना हूं, मैं तो अभी भी जीत सकती हूं। लेकिन तभी उसका बटलर बाहर आता है और बोलता है कि मैम हम असल में हार चुके हैं, अगर हमने यहाँ पे फाइट किया तो आपको आपका रूल तोड़ना पड़ेगा जो कि था कि आपको इनमें से किसी को भी मारना नहीं है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं मेरी हार मानती हूँ। उसके बाद कनामे रैंक वाली लड़की को बोलता है क्या तुम मेरे टीम में आना चाहोगी, तो पहले तो वो मना कर देती है, उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी टीम में आती हूँ। लेकिन कनामे के ये डिसीजन से उसकी पूरी टीम खुश नहीं होती है। तो कनामे रैंक वन वाली लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने कभी सोचा कि तुम्हें हमारी टीम को धोखा देना है तो तुम सबसे पहले मुझ पे हमला करोगी, उसके बाद मेरी टीम के पास जाओगी। तो ये कहती है ठीक है मुझे चलेगा। और ऐसे ही कनामे को रैंक वन वाली लड़की का भी सपोर्ट मिल चुका है। उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कनामे के दोस्त को 8th वाले लोगों ने पकड़ के रख लिया होता है और उसकी उंगलियां भी काट ली होती है, और ये वीडियो वो लोगों ने कनामे को भेजा होता है। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि रीन एक कैफे में जाके एक ऑरेंज बाल वाली लड़की से मिलती है और उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालती है 8th क्लैन के ऊपर। और उसको ये इन्फॉर्मेशन में मालूम पड़ता है कि 8th क्लैन की टीम पूरे एक वेयरहाउस में छुपे हुए हैं, और तो और उनमें से जो फायर वाला बंदा था वो खत्म हो चुका है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कनामे एकदम गुस्से में रहता है क्योंकि उसका दोस्त पकड़ा गया होता है और उसकी उंगलियां कट गई होती है। उसी वक्त वहां पे रीन आती है और रीन वहां पे आने के बाद उनसे कहती है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि 8th वाले लोग कहां पे है और हमें उनके पास कैसे पहुंचना है। तो फिर कनामे बोलता है कि चलो अब हम जाके 8th वाले लोग को पकड़ते हैं और मेरे दोस्त को बचा के लेके आते हैं। तभी हमें अगले सीन दिखाते हैं कि 8th वाले बंदे मिलके कनामे के दोस्त को टॉर्चर कर रहे होते हैं, और तभी उनके वेयरहाउस के पास आ जाती है पुलिस की पूरी फोर्स और वो लोग वहां पे आके उन्हें रोकने लगते हैं। तो 8th वाले बंदे एकदम चिल रहते हैं और वो लोग उनमें से एक दो लोग को बाहर भेजते हैं पुलिस से सामना करने के लिए। तो फिर ये आई पैच वाला बंदा बाहर जाता है और वो फटाफट अपनी एबिलिटी यूज करके पुलिस वालों को खत्म करने लगता है। हमें फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि कनामे की गैंग कार में बैठ के आ रही होती है इस जगह पे कनामे के दोस्त को बचाने के लिए। इनके साथ बॉक्सिंग गैंग का बंदा भी होता है जो जिसने पहले कनामे के साथ फाइट किया होता है। कनामे ने शुका को एक स्पेशल मिशन दिया होता है जिसमें शुका पहले ही यहाँ पे आगे जा रही होती है इस हाइड आउट के पास और उसको वहां का सर्वे करना होता है। और तब वोंग सोचता है कि उसको यहां से निकल लेना चाहिए उसके टीम मेंबर के साथ क्योंकि पुलिस भी यहां पे आ चुकी है। तो वो कहता है निकलने से पहले हम इस बंदे को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी वक्त इनके हाइड आउट के पीछे दरवाजे पे पुलिस वाले आके दरवाजा तोड़ते रहते हैं। तो वोंग बोलता है ठीक है इस बंदे को तुम संभालो, ऐसा वो दूसरे एक बंदे को बोल के बाहर जाता है पुलिस वालों को मारने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठा के शुका एक फोन कनामे के दोस्त के पास गिरा देती है और कनामे का दोस्त उस फोन से कनामे के थ्रू बात करने लगता है। तो कनामे उससे कहता है कि सुनो इस फोन पे एक गेम है डार्विन्स गेम करके, तुम्हें वो गेम को खोलना है और वो गेम में रजिस्टर करना है। तो उसका दोस्त बोलता है लेकिन तो मेरी उंगलियां काम ही नहीं कर रही, मैं कैसे करूं ये सब। तो कनामे का दोस्त बोलता है कि तुम कैसे भी करो अपना मुंह यूज करो नाक यूज करो लेकिन तुम इस गेम पे रजिस्टर करो, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुरंत वहां पे आ जाऊंगा तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तो कनामे का दोस्त कैसे ना कैसे करके इस गेम को खोलता है और वो सांप आके इस कनामे के दोस्त को भी काट लेता है। और ऐसे ही कनामे का दोस्त अब डार्विन्स गेम का एक मेंबर बन चुका है। और तभी कनामे के दोस्त के पीछे 8th क्लैन का एक बंदा आता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन कनामे का दोस्त इस वक्त खड़ा होता है और वो अपने एबिलिटी को यूज करता है और ये एबिलिटी यूज करने के साथ ही साथ वो इस 8th क्लैन के मेंबर को दूर फेंक देता है हवा में। फिर हमें दिखाता है कि कनामे की गैंग भी यहाँ पे पहुंच गई होती है और तब ये बॉक्सर वाला बंदा जाके इस आई पैच वाले बंदे के साथ लड़ने लगता है और बाकी लोग ये वेयरहाउस के अंदर घुसते रहते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि कनामे का दोस्त अपना एबिलिटी यूज करके बहुत सारे लोगों को मार मार के निकलता रहता है, लेकिन तभी उसके सामने वोंग आ जाता है और वोंग वहां पे आके उसे पकड़ लेता है। तब कनामे का दोस्त अपना एबिलिटी वोंग के ऊपर भी यूज करता है लेकिन यहीं पे ये लोग ये सीन काट देते हैं। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता है। कनामे का दोस्त और बाहर बॉक्सर और ये आई पैच वाला बंदा दोनों ही एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे बॉक्सर आई पैच वाले को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कराटे बहुत पसंद है और इसीलिए तुम अपना मार्शल आर्ट्स यूज कर रहे हो मेरे अगेंस्ट। और ये वेयरहाउस के दूसरे तरफ पे रीन और पानी वाली लड़की दोनों मिलके बाकी लोगों को जमा देते हैं पानी और बर्फ के कॉम्बिनेशन के साथ। और फिर गनमैन और कनामे दोनों ही वेयरहाउस के अंदर घुस के कनामे के दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग को कनामे का दोस्त तो नहीं मिलता है लेकिन इनको मिलता है वोंग और उसकी पूरी टीम। तब वोंग कनामे को कहता है कि अरे तुम तो बहुत लेट आए हो। तो कनामे वोंग को कहता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, मेरे दोस्त को मेरे पास छोड़ दे और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। तो वोंग बोलता है अरे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास ही है, जरा अपने पीछे तो देखो। तो कनामे जैसे ही पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि वहां पे एक बॉक्स रहता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। वो जैसे ही बॉक्स को खोल के देखता है तो उसके अंदर उसके दोस्त के बॉडी के कटे कटे पार्ट्स रहते हैं। ये देख के कनामे गुस्से में पागल हो जाता है और रोने लगता है। और यहाँ पे वोंग हंसते हंसते बोलता है ये तुम्हारे ही वजह से हुआ है, अगर तुमने यहाँ पे पहले आ गए होते तो तुम्हारा दोस्त बच गया होता, तुम तो बहुत यूजलेस हो कनामे। और ये सीन देख के कनामे का दिमाग फिर जाता है और वो फाइनली घूम के एक बंदूक की गोली मारता है 8th के एक बंदे को और उसे खत्म कर देता है। और अब मुझे लग रहा है कि कनामे एक प्रॉपर एमसी बनने वाला है और वो अब बैडएस होने वाला है क्योंकि उसने फाइनली किसी को मारा और फाइनली उसने ये बोला है कि अब वो इनको खत्म कर देगा। उसके बाद कनामे आगे जाता है और बोलता है कि अब मैं ऑफिशियल क्लैन फाइट स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे और मेरे क्लैन के बीच में। और ऐसे ही वो द 8th क्लैन और खुद के क्लैन के बीच में क्लैन फाइट स्टार्ट करता है। क्लैन फाइट स्टार्ट करते ही
वो बाकी सारे के सारे लोगों को धड़ाधड़ मार देता है उसके ग्रुप के। तो फिर गुस्से में वोंग कूद के कनामे के पास आता है उसको मारने के लिए टेलीपोर्ट करके, लेकिन तभी ही शुका वहां पे आ जाती है और वो वोंग को पकड़ लेती है खुद के वेपन से। उसके बाद वोंग और शुका दोनों ही लड़ना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा बॉक्सर होता है वो अपना एबिलिटी यूज करता है, उसकी एबिलिटी होती है सुपर फास्ट स्पीड, और वो सुपर फास्ट स्पीड के साथ आई पैच वाले बंदे से लड़ रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गनमैन और कनामे दोनों ही मिलके बाकी बचे खुचे सारे के सारे 8th के मेंबर्स को खत्म करने लगते हैं। उसके बाद वोंग शुका को बोलता है कि मैं पहले तुम्हें पकड़ूंगा, फिर तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड कनामे को दोनों को ऐसे ही हाथ पैर काट के एक साथ रख के खत्म कर दूंगा। तो शुका वहां पे आती है और बोलती है कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद वोंग भाग के आता है शुका की तरफ अटैक करने के लिए, और शुका भी अपने वेपन से वोंग पे अटैक करती है, लेकिन वोंग उसके वेपन को काट देता है और हंसने लगता है। और उसके बाद वोंग एक जंप मारता है शुका को मारने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर कट जाता है। तो वोंग बोलता है कि तुमने ये कैसे किया? तो शुका बोलती है शायद तूने खुद ही खुद का पैर काट दिया हो। तो वोंग बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद वोंग शुका के पीछे टेलीपोर्ट करता है और वापस से शुका के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वापस से वोंग का हाथ कट जाता है। तो वोंग बोलता है अरे मेरा हाथ कैसे कट गया, ये क्या हो रहा है? तो शुका बोलती है शायद तुमने वापस गलती से खुद का हाथ काट दिया हो, और हंसने लगती है। तो वोंग बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, जरा बताओ मुझे। तो शुका बोलती है मैं तो कुछ नहीं कर रही हूं, तुम ही खुद को मार रहे हो। और तभी वोंग की नजर पड़ती है उसके आसपास, तो वो देखता है कि उसके आसपास हर जगह पे पतले पतले धागे लगे हुए होते हैं। तो वोंग बोलता है अच्छा तो तुम इन धागे की वजह से मुझे मार रही थी ना? तो शुका बोलती है हाँ, मेरा शिजल का एबिलिटी है जो मुझे हेल्प करता है किसी भी धागे वाली चीज को मैनिपुलेट करने में, और मैं उसी की वजह से तुम्हारे हाथ पैर को काट रही थी। तो वोंग बोलता है ये तो बहुत चिंदी सी बात हो गई है, चलो मैं तुम्हें पकड़ के अभी खत्म कर देता हूँ। ऐसा वोंग उसको बोलता है और शुका को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन शुका तभी सारे के सारे थ्रेड्स को यूज करती है और वोंग को बांध देती है। तो वोंग बोलता है अभी मुझे मेरा अल्टीमेट एबिलिटी यूज करना पड़ेगा, और वोंग उसका अल्टीमेट एबिलिटी यूज करता है और वो शुका के साथ खुद की जगह बदल लेता है और हंसने लगता है। लेकिन शुका बोलती है अरे तुम तो भूल गए कि इन सब थ्रेड्स को मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ, और शुका अपने आप को उन सब थ्रेड से बचा लेती है। उसके बाद शुका वोंग का एक और हाथ काट देती है, और फिर वोंग एकदम डर जाता है। वो बोलता है कि तुम कुछ चीटिंग कर रही हो। वो फटाफट चिल्लाने लगता है और बोलता है डी गेम के बाकी सब डेवलपर्स देखो ये क्या हो रहा है, गेम के अंदर एक बग है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो शुका हंसने लगती है, बोलते तुम तो बहुत पैथेटिक हो। ऐसा बोल के शुका वोंग के पास जाती है उसे खत्म करने के, लेकिन तभी वोंग खुद को टेलीपोर्ट करके बाहर पहुंच जाता है। तो वो बोलता है अरे मैं बच गया, मैं तो हीरो हूं इस गेम का। लेकिन तभी वोंग देखता है कि उसके सामने कनामे खड़ा होता है जो खुद का गन लेके वहां पे खड़ा रहता है। तो फिर वोंग उससे अपनी जान की भीख मांग लगता है। तो कनामे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसा बोल के कनामे बोलता है कि मैं मेरे स्पेशल एबिलिटी को यूज करने वाला हूं जो कि मुझे गेम के डेवलपर ने दिया था, और उसका नाम है ऑल इन। ये एबिलिटी यूज करने से कनामे को सामने वाले के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके पूरे क्लैन के सारे पॉइंट्स मिल गए कनामे को, और कनामे इसी तरह 8,869 पॉइंट्स जीत गया। और फिर इस वजह से द 8th क्लैन हार चुकी है, और अब वो लोग पार्ट बाय पार्ट टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तो कनामे उसको बोलता है कि तुम हार चुके हो और मैं जीत चुका हूं। और फिर हमें वोंग का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहां पे वोंग को ये एबिलिटी मिलती है, तो वोंग बहुत खुश हो जाता है कि वो अब डी गेम में सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन जैसे ही उसका फ्लैशबैक खत्म होता है तो हमें दिखाते हैं कि वोंग का सिर्फ सर बचा हुआ रहता है और बाकी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। तो वोंग कनामे को बोलता है कि तुम सबसे पावरफुल इंसेक्ट हो यहां के, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर अब बहुत और हमले होने वाले हैं। ऐसा वो बकबक करता ही रहता है कि कनामे फटाफट अपने बंदूक से गोली मार के वोंग को खत्म कर देता है। उसके बाद कनामे बोलता है कि हम भले ही यहां पे जीत गए, लेकिन हम एक तरह से हार भी गए, मैं मेरे दोस्त को नहीं बचा पाया। फिर कनामे बोलता है कि मैंने अब ठान लिया है कि मैं इस गेम को कैसे भी करके बंद करने वाला हूं और ये गेम के क्रिएटर को खत्म करने वाला हूं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो गेम का क्रिएटर होता है वो अपने भाई को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये कनामे नाम के बंदे के ऊपर अब नजर रखना पड़ेगा और कुछ भी करके मुझे इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, वोंग खत्म हो चुका है। ऐसा वो इन्फॉर्मेशन अपने भाई को देता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बाकी सारे लोग जाके वोंग के एरिया को कैप्चर करने लगते हैं, लेकिन तभी ही सनसेट रेविंस के बंदे आके उन्हें रोकते हैं। उसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि डी गेम का हमने एक नया रूल बनाया है कि जिस भी एरिया में सनसेट रेविन का लोगो है वहां पे तुम डी गेम नहीं खेल सकते हो, ये सनसेट रेविन का रूल है। और ऐसे ही कनामे बोलते हैं कि मैंने ठान लिया है कि मैं ये डी गेम को खत्म करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। यहां पे कनामे के सारे टीममेट्स जाके सब लोग को रोकते रहते हैं डी गेम खेलने से उसके एरिया में। और इस वक्त कनामे और उसके सारे टीममेट्स ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के रखा होता है खुद के क्लैन का, जो कि होता है प्रॉपर ब्लैक क्लोथ्स। और इसी के साथ ये वाले एनिमे का सीजन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास, और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।